मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अजीमगढ़ चौक का किया है उद्घाटन। बता दें आपको, महर्षि वाल्मीकि के साथ मनाई जाएगी अजमेर की जयंती। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, हम कर्मशील लोग काम में विश्वास रखते हैं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो करनाल से खबर है, जहां पर अजमेर चौक का सीएम ने उद्घाटन किया है। बता दें आपको, महर्षि वाल्मीकि के साथ मनाई जाएगी अजमेरगढ़ की जयंती, ये बड़ी खबर है। तो देखिए, वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम कर्मशील लोग हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम कभी छुट्टियों की बात नहीं करते, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बयान में। तो महर्षि वाल्मीकि के साथ अब अजमेर की जयंती मनाई जाएगी, ये बड़ी खबर आई है सामने। करनाल से मुख्यमंत्री ने आज अजमेर चौक का उद्घाटन कर दिया है। तो सीएम पहुंचे अजमेर चौक का उद्घाटन करने के लिए, और बड़ी अपडेट ये कि अब महर्षि वाल्मीकि के साथ अजमेरगढ़ जयंती जो है वो मनाई जाएगी। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी हिमांशु से। हिमांशु, देखिए तस्वीरें हमारे सामने हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अजमेर चौक का उद्घाटन कर दिया है, क्या है जानकारी? देखिए, करनाल के लोगों के लिए एक सौगात दी है सीएम मनोहर लाल ने, और आज उन्होंने सुबह ही अजमेर चौक का उद्घाटन किया है। महाराजा अजमेर जी जो है वो सुनार जो जाति है उसके संस्थापक कहे जाते हैं, और सुनार समाज के तमाम लोगों में खुशी का माहौल था। इस दौरान उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे। सेक्टर 13 का जो चौक था उसकी पहले कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, लेकिन अब उसे महाराजा अजमेर जी चौक के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने एक डिमांड की थी कि एक हॉल बनवाना है, तो उसके लिए उन्हें एक जगह दी गई है सेक्टर 32 के अंदर। वहां पर अगर कोई भी कार्यक्रम करवाना है तो तमाम समाज के लोग वहां पर करवा सकते हैं, उस जगह को हॉल में तब्दील किया जाएगा। साथ ही साथ समाज की तरफ से दूसरी मांग ये रखी गई थी कि जिस दिन महाराजा अजमेर जी की जयंती होती है उस दिन छुट्टी हो जाए। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम कर्मशील लोग हैं, काम में विश्वास रखते हैं, छुट्टी में विश्वास नहीं रखते, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती होती है उसी दिन महाराजा अजमेर जी की जयंती होती है, तो दोनों जयंतियों को एक साथ मनाया जाएगा और छुट्टी उस दिन पहले से ही निर्धारित होती है। तो इस चौक के बाद सेक्टर 13 का जो करनाल का इलाका है उसको एक नई पहचान मिलेगी। हाँ। और इससे समाज के लोगों में भी काफी खुशी का माहौल। हिमांशु, इसी को लेकर सवाल है मेरा अगला आपसे, जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री ने आज ये सौगात दी है चौक की, इसके साथ साथ जो ऐलान हो चुका है कि महर्षि वाल्मीकि के साथ ही अब अजीमगढ़ जयंती जो है वो भी मनाई जाएगी, तो इस ऐलान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, तमाम समाज के लोगों को एक उम्मीद होती है कि हमारे जो संस्थापक हैं या हमारे जो आदरणीय हैं या हमारे जो भी बड़े हैं जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन लोगों की तरफ से मांग रखी गई थी कि महाराजा अजमेर जी की जयंती मनाई जाए और बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाए। तो सीएम मनोहर लाल ने मन से ही इस बात का ऐलान किया कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के दिन ही महाराजा अजमेर जी की जयंती होती है, तो दोनों जयंतियों को एक साथ मनाया जाएगा। छुट्टी पहले से ही निर्धारित होती है महर्षि वाल्मीकि जयंती की, तो उस दिन छुट्टी दूसरी करने का तो कोई औचित्य नहीं था, इसलिए उसी दिन छुट्टी भी रहेगी और कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु नारंग, जानकारी देने के लिए हमको अपडेट के साथ।